तो गाइज कैसे है सब भाई। मॉर्निंग का टाइम अभी देख ही सकते हैं आप क्या टाइम हो रहा है, 7:39। आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, वो आपको पता लग गया होगा। क्विक शिफ्टर के ऊपर है वीडियो। आप सभी लोग कह रहे थे कि भाई बाइक के बारे में बताओ, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे वर्क करते हैं। वो सबसे ज्यादा डिमांड आपकी क्विक शिफ्टर पे थी, RC390 का क्विक शिफ्टर किस तरह से वर्क करता है, फुल डिटेल में बताऊंगा आपको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम रिसेंट वीडियो के कमेंट्स भी रीड कर लेते हैं। तो भाई जो सबसे पहले कमेंट्स आए हैं लास्ट वीडियो पे वो है GP और RPH क्रिक्स। और भाई जो सेकंड नंबर पे कमेंट आया वो है क्रेज फॉर पेट ऋषिकेश। थर्ड नंबर पे कमेंट आया वो है गेमिंग ज़ॉम्बी और नीरज चौधरी। तो भाई ये तीन कमेंट थे जो लास्ट टू वीडियोस पे आए थे। बाइक को पहले मैं उससे ही लगाता हूं, देन उसके बाद आपको समझाता हूं भाई क्विक शिफ्टर के बारे में किस तरह से वर्क करता है। चला के देखेंगे हम पूरा फुल पावर, ठीक है। बाकी तो आपने वीडियोस देखी है, फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है भाई किस तरह से इसका क्विक शिफ्टर जो वर्क करता है। पहले तो बताते हैं भाई क्विक शिफ्टर ऑन कैसे करना बाइक में, ठीक है। ये आपको ओपन ही मिलेगा जैसे आप बाइक परचेज करोगे, क्विक शिफ्टर वाला जो ऑप्शन है वो आपको ओपन ही मिलेगा, आप उसको यूज कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको 1000 किलोमीटर चलाने पड़ेगी बाइक, आपको सेट बटन प्रेस करना है, देन मोटरसाइकिल, देन उसके बाद ये ऑन होना चाहिए, लेकिन स्विच ऑन रखना पड़ेगा तभी आपको जो है आपका जो ये क्विक शिफ्टर वाला ऑप्शन है ये शो होगा। अगर आप किल स्विच ऑफ कर देते हो तो आपको क्विक शिफ्टर वाला ऑप्शन शो नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने किल स्विच ऑफ कर दिया और अब मैं मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, मेरे को यहाँ पे वो नहीं दिख रहा, ठीक है। देख लो अभी आप टाइम पे मेरा किल स्विच ऑफ है, और अगर मैं इसको ऑन भी कर दूँ तब भी मेरे को यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि मेरे को बैक जाना पड़ेगा इसको रिफ्रेश करने के लिए, जैसे अभी आपने देखा, ठीक है। आप फिर क्विक शिफ्टर प्लस पे जाओगे, देन उसके बाद ये ऑन, मैं तो इसको ऑन ही रखता हूँ, जब से लिए भाई तब से सारे फीचर्स ऑन ही हैं इसके। अभी बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। एक्चुअल में सीन क्या होता है, यहाँ पे कुछ एक मैकेनिज्म होता है, जैसे आप ये गियर लीवर है इसके ऊपर वेट डलता है, ठीक है। जब क्विक शिफ्टर ऑन हो तो उस टाइम पे आपके इंजन को ये कट कर देता है कुछ मिली सेकंड्स के लिए, लेकिन आप चाहे जितनी मर्जी स्पीड पे हो, जो मर्जी RPM हो आपकी बाइक का, आपका इंजन उसी टाइम पे कट ऑफ हो जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर वेट डालोगे, आप ऊपर को करोगे या डाउन करोगे, इस पे वेट डालेगा उसी टाइम पे आपका जो है इंजन कट ऑफ हो जाएगा, देन आपका गियर स्विच हो जाएगा, उसके बाद आपके इंजन दोबारा फिर से वैसे रन करने लग पड़ेगा, लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा भाई कि इंजन कट ऑफ हुआ था कुछ मिली सेकंड्स के लिए। इतना तो समझ आ ही गया होगा। बाकी हम इसको राइड करते हैं, ये भी बताता हूँ भाई कितना स्मूथ है। मेरे यहाँ पे रोड आपने देखा ही होगा, बिल्कुल टर्न से थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद वो देखो सामने की तरफ टर्न है, यहाँ पे भी टर्न है। लोग ऐसा बोलते हैं क्विक शिफ्टर को यूज करने के लिए हाईवे वगैरह चाहिए ताकि हम यूज कर सके, आप इसको नॉर्मल रोड्स पे यूज नहीं कर सकते, वैसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा स्मूथ क्विक शिफ्टर है। अभी मैं बताता हूँ भाई आपको, देखो फर्स्ट गियर मैंने लिया, तब मैंने उस टाइम पे क्लच का यूज किया था। अब मैं बताता हूँ आपको, बस RPM जो 3000 प्लस रखना है इसका, जैसे मेरा अभी है 4000 पे, 3000 प्लस RPM रखोगे आराम से आपकी बाइक जो है क्विक शिफ्ट करेगी। जैसे कि अभी देखा आपने मैंने थर्ड गियर किया और मैंने डाउन जो करना है सिंपल डाउन। और इसमें भी एक ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि भाई आप अपशिफ्ट कर रहे हो डाउन शिफ्ट भी नॉर्मल करोगे, वैसा नहीं है। अपशिफ्ट करने के लिए अलग ट्रिक है और जो डाउन शिफ्ट करने के लिए वो अलग ट्रिक है। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ सिटी में पहुंचता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़े रोड सही है, यहाँ पे मेरे को बार बार डाउन शिफ्ट करने पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही अपील है, तो अपील पे मैं ऐसा तो यानी कि थर्ड फोर्थ गियर पे चलूंगा, मेरे को डाउन शिफ्ट भी करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सिटी में पहुंचता हूँ, देन उसके बाद आपसे मिलता हूँ और बताता हूँ आपको कि किस तरह से अपशिफ्टिंग करनी है और किस तरह से डाउन शिफ्टिंग करनी है। अभी आगे हो मैं सिटी में, ठीक है। अभी रोड भी सही है, डाउन करने की जरूरत नहीं है गियर वगैरह। पहले देख लो कि शिफ्टर किस तरह से वर्क करता है, कितना स्मूथ वर्क करता है, वो बोल रहा हूँ मैं। बाकी तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट गियर है मेरा पहले से ही, मैंने क्लच पकड़ा हुआ है, मैंने रिलीज किया, ठीक है, निकला। अभी देखना भाई नॉर्मल सेकेंड गियर, मैंने थ्रोटल अप रखा है, मैं डाउन नहीं कर रहा हूँ थ्रोटल, ठीक है। ये भी बताऊँगा भाई कैसे अप डाउन करने हैं गियर्स। ये देखो थर्ड गियर, ठीक है भाई, बिल्कुल स्मूथ है, मतलब आपको कुछ ऐसा फील ही नहीं होगा कि भाई मतलब फ्लटर कर रहा है या अटक रहा है गियर। थर्ड गियर है, अब यहाँ पे मैं फोर्स डालूंगा, ठीक है। मैंने हाथ यहाँ पे रखा है सामने, देख सकते हैं आप, ठीक है। और अभी फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। और आप डाउन भी कर सकते हो, डाउन करने के लिए आपको जो है थ्रोटल रिलीज करना पड़ेगा, देख लो सेकेंड। और ये आप बिल्कुल आराम से क्लिक करोगे ना, ये देखो न्यूट्रल सीधा, आप न्यूट्रल भी कर सकते हो, आप सीधे सेकंड से फर्स्ट में भी आ सकते हो। अभी वो भी मैं करके बताता हूँ आपको भाई, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है इसका क्विक शिफ्टर। आपको ऐसा है कि जब आप RC390 चलाओगे उसके बाद आपको कोई और बाइक में बैठोगे ना भाई, क्विक शिफ्टर की आदत पड़ जाएगी, जैसा मेरे साथ होता है, ठीक है। ये देखो थर्ड, और अभी मुझे जाना फर्स्ट पे, मतलब मेरे को इतना डाउन करना कि फर्स्ट पे जाना, सेकंड फर्स्ट, फिर से आप कंट्रोल कर लो बाइक सिंपल, ठीक है। और फिर आप सेकंड जाना है सेकंड, और फिर आपको थर्ड जाना है थर्ड,
फोर्थ और फिफ्थ और यहाँ पे डाउन, ये देखो न्यूट्रल भाई, बहुत ही इजी है। ऐसा कुछ था इसका क्विक शूटर, आपने देख लिया किस तरह से वर्क करता है, बड़ा ही स्मूथ है भाई। अभी आपने देखा मैं 1 से लेकर 6 तक गेस अप करे, देन 6 से लेकर न्यूट्रल तक मैंने डाउन भी करे। आपको मैं बताता हूँ एक चीज कि आपको गियर अप कैसे करने, ठीक है, क्विक शूटर प्लस है इस बाइक में, ये भी बता देता हूँ। देखो गियर अप करने का फंडा ये होता है, आपका जो इंजन होता है वो कट ऑफ होना होता है, ठीक है, तो उसमें ये नहीं है कि आपको थ्रोटल रिलीज करने की जरूरत है, आपको थ्रोटल ओपन ही रखना है, ठीक है। आप जिस मर्जी आरपीएम पे चले आपको थ्रोटल ओपन रखना है, इतना थ्रोटल रखा है तो मैं थ्रोटल को इतना ही रखूंगा, देन अप करूंगा। अभी मैं एक बार वो भी करके बताऊंगा। जब आपको गियर्स डाउन करने हैं उस टाइम पे जो है आपको थ्रोटल जो है वो क्लोज कर देना पूरे, अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो भाई आरपीएम जो है वो सीधा बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, टच रिलीज करा, नॉर्मल थ्रोटल मेरा उतना ही है, देख लो 4000 आरपीएम पे, और सेकंड गियर मैंने रिलीज नहीं करा है थ्रोटल, ठीक है, वे थर्ड गियर मेरा थ्रोटल उतना ही है, चाहे आपका थ्रोटल फिर 8000 आरपीएम पे या 10000 आरपीएम पे, जैसे यहाँ पे देख लो अभी मेरा थ्रोटल बढ़ गया, और ये फोर्थ गियर और ये फिफ्थ गियर, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब आपको थ्रोटल रिलीज इस टाइम पे करना। देखो मैंने रिलीज कर दिया, मैं डाउन कर रहा हूँ गियर्स, ये देखो सेकंड, और ये देखो ये न्यूट्रल, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात किस तरह से अप डाउन करने हैं शिफ्ट इसमें RC390 में। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ क्विक शूटर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप बाइक आपकी फ्लटर करेगी या गियर अप डाउन नहीं होंगे, भाई फुल पावर यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ क्विक शूटर है। बाकी किस तरह से वर्क करता है मैंने आपको वो भी बता दिया, और किस तरह से यूज़ करना है क्विक शूटर, गियर अप कैसे करने, गियर डाउन कैसे करने, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये देखना अभी, अभी देख लिया भाई आपने किस तरह से इसका जो क्विक शिफ्टर है वो इतना स्मूथ वर्क करता है। दैट्स इट, ये था गाइस आज की वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बहुत 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 अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। यार सब्सक्राइब कर दो चैनल जल्दी से, 30K होने वाले, अपने 30K करवा दो भाई, शेयर कर दो सभी चैनल को।